गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपने चैप्टर ज्योग्राफी फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। जैसा आपने कई बार इस रिसोर्सेज के विषय में पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में भी आपने रिसोर्सेज के विषय में पढ़ा था, डेवलपमेंट के विषय में आपने पढ़ा था। आप इन सारे टर्म से ऑलरेडी वाकिफ़ हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, डेवलपमेंट क्या होते हैं, और ये चैप्टर कई बार घूम घाम करके क्लास 7 से आप लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं, क्लास 7 से, और ये आज तक इसी तरह चला आ रहा है। और साइंस में भी ये चैप्टर आपको मिलता है, क्लास 10th में भी साइंस में भी इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है रिसोर्सेज का। तो ये दोनों जगह आपका काम करेगा इसलिए अच्छी तरह से। और ये 5 नंबर का आपका एग्जाम भी पूछा जाता है, 5 मार्क्स का आता है एग्जाम में भी। ये कैसे पूछा जाएगा, व्हाट इज रिसोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन द रिसोर्सेज, यानी कि इसमें अभी बताएंगे कितने प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसमें डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन होगा और भी कई तरह से क्लासिफिकेशन आएंगे उसमें, ओरिजिन के अकॉर्डिंग। तीसरा सीधे क्वेश्चन पूछ पूछ सकता है, व्हाट इज रिसोर्सेज एंड एंड राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग द ओरिजिन, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन, इससे पूछा जा सकता है। 5 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन इसका आएगा ही आएगा एक बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आपको क्या करना है, लेसन अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। तो पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि रिसोर्सेस होते क्या हैं, और ये आपको कई बार बताया जा चुका है। रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलप रिसोर्सेज हैं क्या, रिसोर्सेज क्या होते हैं, एवरीथिंग इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज बाय सेटिस्फाई आवर नीड्स विच कैन बी फुलफिल आवर यूटिलिटी। जो क्या कर सकते हैं, जो नेचर में पाए जाते हैं और जो क्या करते हैं, हमारे नीड्स को पूरा कर सकें और हमारी आवश्यकता जो होती है, जो हमारा सेटिस्फैक्शन, जो हमारे हमें क्या मिले उससे सेटिस्फैक्शन मिले, जो हमारे नीड्स को पूरा कर सके, उसकी जो यूटिलिटी क्या है, हमारे सेटिस्फैक्शन को पूरा करना, उसकी यूटिलिटी क्या होनी चाहिए, हमारे सेटिस्फेक्शन को पूरा करना, अब वो क्या कहलाता है, हमारा रिसोर्सेस कहलाते हैं। इज दैट क्लियर, यानी कि रिसोर्सेस क्या होते हैं, एवरीथिंग दैट प्रेजेंट इन इन इन्वायरमेंट, जितनी भी चीज़ें जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती हैं उनकी एक क्या होती है, एक यूटिलिटी होती है, और यूटिलिटी क्या है, विच सेटिस्फाई अवर नीड्स, जो क्या करती है, हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, जो भी हमें आवश्यकता होती है हमारे सेटिस्फेक्शन मिलती है हमें इनसे, यूटिलिटी इनकी क्या है, सेटिस्फेक्शन, तो रिसोर्सेस ये कहलाते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट इट। फिर क्या होते हैं, दे आर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकल फेसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। ये क्या होते हैं, अगर टेक्नोलॉजी का इनके इस्तेमाल कर दिया जाए तो क्या हो जाते हैं, बहुत ही अच्छी तरह इनमें चेंज लाया जा सकता है, अच्छी तरह से यूज किया जा सकता है, और इकोनॉमिकली क्या होते हैं, हमारे पास में पॉसिबल होते हैं, हम इनका यूज कर सकते हैं, अच्छी तरह से खरीदा जा सकता है इनको, हम लोग इनका यूज करते हैं। और कल्चरली क्या है, एक्सेप्टेबल होते हैं, और कल्चरली क्या है, इनको एक्सेप्ट किया जाता है सब लोगों के द्वारा। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, रिसोर्सेज कहलाते हैं। रिसोर्सेज कई प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज हम कई प्रकार के क्लासिफिकेशन देखेंगे इसमें। जैसे पहला रिसोर्स हमारा क्लासिफिकेशन आएगा, क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो हम अगर ओरिजिन की बात करते हैं तो ओरिजिन क्लासिफिकेशन, ओरिजिन ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या आ जाएगा, बायोटिक आ जाएगा, नॉन बायोटिक आ जाएगा। जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा, बायोटिक क्या होता है, रिसोर्सेस विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर ऑफ हैव लाइफ, जिनमें क्या होता है, जीवन होता है, ये बायोस्फीयर में पाए जाते हैं, और जिनमें क्या होता है, जीवन होता है। तो कॉमन सी बात आप समझ गए, जिनमें अगर जीवन है तो वो क्या कहलाएंगे, वो बायोटिक कहलाता है, और नॉन बायोटिक क्या होगा, विच डोंट हैव लाइफ, जिनमें जीवन नहीं होता तो क्या कहलाएंगे, अबायोटिक रिसोर्सेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप देखे जाते हैं, ह्यूमन फ्लोरा एंड फना, फिशरीज, लाइव स्टॉक, के सब क्या हैं आपके, क्या हैं ये, बायोटिक हो गए। और नॉन बायोटिक में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, आप मालूम ही है, रिसोर्सेज विच कंपेयर टू द नॉन लिविंग थिंग, जो क्या होते हैं, नॉन लिविंग होती हैं, रॉक्स, मिनरल्स एक्सेट्रा, ये क्या है आपके, नॉन लिविंग हो गई। तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस है ये, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट में अगर लेक्चर में देखते हैं कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस कौन कौन से हैं।